कभी स्कूल नहीं गए हो ना दोस्त, इसीलिए तुमको अल्लाह और राम दोनों में फर्क नजर आता है। तो इसमें स्कूल जाने की क्या बात है? जूनियर भिखारी। हाँ सीनियर भिखारी बोलिए। भूख लगा है यार। भूख हमको भी लगा यार, मैं क्या करूं? कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाता तो। चलो ना कुछ प्लास्टिक वगैरह चुन लेते हैं। हाँ। बेच के उसको कुछ दो पैसे हो जाएंगे, कुछ खा लेंगे। हाँ। चलते हैं। चलो। हाँ घर से जब हम निकले थे ना तो तुम लोग का भी याद आया था, तो मेरे पास एक चीज है। वाह क्या इंटरेस्ट कर ला, कहाँ कहाँ से आया अधिकारी लोग आया, साला मूड खराब करके चले गया, फेंक देते हैं उसको, नजर लग गया। चलो देखते हैं उसमें क्या है। भैया आप जान आया। हाँ। तुम हमारी सुनो वो तुम्हारी। ये सब गाना है ना पिछले वीडियो में गा चुके हैं, अब कुछ नया गाना है। नया क्या गाए? आप सुनाइए। हम सुनाते हैं अब ये वाला गाना गाओ। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। एक मिनट सीनियर भिखारी। हाँ। अल्लाह क्यों रखे, राम क्यों नहीं रखे? चलो तुमको समझाते हैं। कभी स्कूल गए हो? नहीं कभी नहीं गए। ओ तभी तो। तुम कभी स्कूल नहीं गए हो ना दोस्त, इसीलिए तुमको अल्लाह और राम दोनों में फर्क नजर आता है। तो इसमें स्कूल जाने की क्या बात है? ये बताओ, एक स्कूल में हिंदू के बच्चे मुस्लिम के बच्चे दोनों बच्चे स्कूल में जाते हैं ना। हाँ। उन्हें पढ़ाया जाता है। हाँ। तो उस स्कूल में हिंदी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। हाँ। और उसमें GOD गॉड लिखा होता है अंग्रेजी में। हाँ। तो टीचर क्या पढ़ाता है? टीचर GOD गॉड, टीचर GOD गॉड इंग्लिश में जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो मुस्लिम बच्चे को बोलता है कि GOD गॉड का मतलब है अल्लाह। अल्लाह। वही GOD गॉड हिंदू बच्चे को पढ़ाया जाता है। अच्छा। और बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? GOD गॉड, गॉड माने भगवान। भगवान। राम। राम। तब इसका मतलब जानते हो? नहीं। बस फर्क है तो शब्दों का, भाषाओं का। कोई इंग्लिश में गॉड बोलता है तो कोई उर्दू में अल्लाह बोलता है, तो कोई हिंदी में उसी को राम बोलता है, मगर है तो एक ही ना। ऊपर वाला तो एक ही है ना। समझ गए ना? हाँ समझ गया। क्या समझे? सबका मालिक एक है। हाँ बस।
कुछ लोगों को ये बात समझ में आ जाए तब ये हिंदू मुस्लिम में मारपीट कभी नहीं होगा। चलो भीख मांगते हैं। चलो।